हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दीवार में चरी कैसे मारते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे हम बाल कटर की मदद से पहले कट लगाएंगे और उसके बाद कैसे हम हथौड़ी और छेनी की मदद से दीवार में चरी लगा देंगे। दोस्तों, ये उसी वीडियो का पार्ट टू है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम दीवार में कंड्यूट पाइप को कैसे डालेंगे और कैसे हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस में रखने वाले पॉइंट्स की भी फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है ये पहले कंड्यूट पाइप को नापता है कि हमें कितनी कंड्यूट पाइप चाहिए, उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग काट लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर कंड्यूट पाइप को काट लिया गया है। इसके बाद इसमें हम पहले एक जंक्शन बॉक्स डालेंगे, जैसे आप देख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, हम एक पाइप बैंड लगाएंगे जो कि तब यूज किया जाता है जब हमें पाइप को राइट एंगल पे मोड़ना हो। अब दोस्तों, हमारी ये पाइप की फिटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चरी में इंस्टॉल करेंगे। आप देखिए कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने छत इसलिए नहीं डाली क्योंकि यहाँ पर हमें टीन डालनी है, ना कि लेंटर। अब आप देख सकते हो, हमने पहले ही जंक्शन बॉक्स के लिए होल रखा है बड़ा सा। अब दोस्तों, जंक्शन बॉक्स यहाँ पर हम रखेंगे। ऐसे ही दीवार के दूसरी साइड भी हमें एक पॉइंट रखना है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जंक्शन बॉक्स से ही एक कंड्यूट पाइप डाल देंगे जो कि हमने कट कर ली है, आप देख सकते हो। और हम जहाँ पर जंक्शन बॉक्स के चौथे हिस्से में, जो कि दूसरी साइड में भी होता है, वहाँ पर कंड्यूट पाइप को लगाकर बाहर की ओर निकाल देंगे। तो आप देखिए कि कैसे इस इलेक्ट्रीशियन ने कंड्यूट पाइप को लगाया और दीवार की दूसरी साइड भी निकाल दिया गया है और हमारी कंड्यूट पाइप की फिटिंग भी हम कर रहे हैं। अब दोस्तों, कंड्यूट पाइप को हम तार की मदद से बांध देंगे जो कि हमने कील के साथ बांध कर पहले ही कील दीवार में लगा दी थी। दोस्तों, इसको कैसे लगाया जाता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। कंड्यूट पाइप को फिक्स करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे हमें कोई सीमेंट वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता कंड्यूट पाइप को फिक्स करने के लिए। दोस्तों, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम कील के साथ तार को बांधकर पहले कील को लगा देते हैं। अब नीचे वाले स्विच बोर्ड तक भी हमें कंड्यूट पाइप डालनी है, तो पहले हम कंड्यूट पाइप को नाप लेंगे कि हमें कितनी कंड्यूट पाइप चाहिए और उसके बाद जितनी भी फालतू कंड्यूट पाइप है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने साइज को नाप कर कंड्यूट पाइप को पहले ही कट कर लिया है। अब हम फिर से वैसे ही तार की मदद से कंड्यूट पाइप को फिक्स कर देंगे, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, हमारी कंड्यूट पाइप की फिटिंग हो चुकी है। हमने दोनों स्विचेस के मॉड्यूल बॉक्सेस भी इंस्टॉल कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से कंड्यूट पाइप की फिटिंग की जाती है। अब दोस्तों, हमने दोनों कमरों के अंदर की कंड्यूट फिटिंग कंप्लीट कर ली है। हमने यहाँ जहाँ पर स्विचेस रखने थे और यहाँ पर हमें कोई भी ट्यूब का कनेक्शन या फिर बल्ब का कनेक्शन रखना था, हमने रख लिया है। अब ऐसे ही हमें दोनों कमरों के बाहर भी बल्ब के पॉइंट रखने हैं, तो वहां पर भी हमें कंड्यूट फिटिंग करनी है। तो हम देखेंगे कि अब हम वो कैसे करते हैं और साथ ही हम आपको वो भी बताएंगे कि कैसे हम कील की मदद से पहले ही तार को अंदर डाल देते हैं, जिससे हमें सीमेंट का भी उपयोग नहीं करना पड़ता कंड्यूट पाइप को फिक्स करने के लिए। अब दोस्तों, हमें कमरों के बाहर दो जगह लाइट के पॉइंट रखने हैं, जिसके लिए हमने कंड्यूट पाइप अंदर के जंक्शन बॉक्स से ही निकाल ली थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चरी भी पहले ही मार ली है और इसको हम कंड्यूट पाइप की मदद से कनेक्ट भी कर देंगे। आप देखिए कैसे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंड्यूट पाइप डालते हैं और यहाँ पर मैं आपको कील लगाकर भी बताऊंगा कि कैसे हम कील के साथ तार को बांध देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने कील के साथ लेंटर की तार को पहले ही बांध दिया है। अब हम इस कील को क्या करेंगे, पहले ही चरी में फिट कर देंगे। आप देखिए कैसे हम कील को चरी में लगाते हैं।
आप देख सकते हो हम चरी में कील को लगा रहे हैं और इसके साथ हमने तार को बांध रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंड्यूट पाइप डालेंगे और उस कंड्यूट पाइप को इस तार की मदद से बांध देते हैं, जिसके कारण वो कंड्यूट पाइप बाहर नहीं निकल पाती और हमें सीमेंट वगैरह लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों हम कंड्यूट पाइप को इस चरी में फिट कर देंगे। आप देखिए कैसे हमने जंक्शन बॉक्स में कंड्यूट पाइप को डाल दिया। अब हम उसी तार की मदद से इस कंड्यूट पाइप को बांध देंगे, जिससे ये बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगी। आप देखिए कैसे हम तार से इस कंड्यूट पाइप को बांध रहे हैं। अब दोस्तों हमारी कंड्यूट पाइप फिक्स हो चुकी है। अब ऐसे ही हम अगले पार्ट में भी कंड्यूट पाइप को काट काट कर डाल देंगे और फिक्स कर देंगे। आप देखिए हमने आगे बैंड भी लगा लिया है और हमने यहां पर कंड्यूट पाइप को नाप कर काट दिया और हम अब इसे फिक्स कर देंगे जंक्शन बॉक्स में भी और तार की मदद से फिक्स भी कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दीवार में चरी डालकर कंड्यूट पाइप डाली जाती है और कोई भी लाइट का पॉइंट हो या फिर स्विचेस का पॉइंट हो उसे रखा जाता है। तो दोस्तों अब हमारी कंड्यूट पाइप की पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।